पंकज जी, एक बड़ी खबर और है। जब हिंदू पक्ष की तरफ से एक एक्सटेंशन की बात की गई थी, एक दीवार को तोड़ने की बात की गई थी, तहखाने के दरवाजे को खोलने की बात की गई थी, उस जो एप्लीकेशन है उस पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक दिन कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1/3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इस पर आपत्ति हम जी पूरे आदेश में जी जो दो अहम बातें जी तीन अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और यह कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इन्वाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर जिसको हटाने को लेकर, उस डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पे आपत्ति इन्वाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो, मतलब उस मुकदमे उस उन दो एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों 18 मतलब कल दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, उस तीसरी पिटीशन थी तो उस पे भी आपत्ति इन्वाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि दो जो पिटिशन्स हैं जी उस पे कल डिस्पोजल, यस यस, आज एक फैसला आया है हाँ। जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। एक कारण सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदारा बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या